दोस्तों, आखिर ये हमारे देश में चल क्या रहा है? जो हमारे नेता हैं वो किसानों के इस आंदोलन को जो खत्म करने की कोशिश थी उसमें फेल हो गए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नेता हैं, जो लोग हैं, गोदी मीडिया है, किसानों पर ये आरोप लगा रही है कि ये तो भैया जो हैं खालिस्तानी हैं, कहीं आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इस तरीके के उन पर आरोप लग रहे हैं। और फिर भी किसान हैं वो ना टस से मस हो रहे हैं और वहीं पर जमा हैं, सिंगू बॉर्डर पर, अब तो टिकरी बॉर्डर पर, और अब एक तो जयपुर और दिल्ली हाईवे है, अब तो वहाँ पर भी जमा है। मतलब अब सरकार को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि जो किसान हैं इनका जो आंदोलन है ऐसे किस तरीके से खत्म किया जाए। और इस दौरान कई सारी वाक्य ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें तो किसानों के लोग वाहवाही कर रहे हैं। आपने शुरू में देखा होगा जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और किसानों के ऊपर पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई, लेकिन फिर भी जो किसान हैं उन्होंने उन जवानों को पानी पिलाया, खाना खिलाया। अब ये वीडियो देखिए, एक जो बड़ा ही खूबसूरत वीडियो है, इसमें किस तरीके से जो बच्चे हैं वो पुलिस वालों को पानी बांट रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए जो हमारे देश का जो भाईचारा है उसे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से जो कुछ मुस्लिम्स हैं वो नमाज पढ़ रहे थे और उनको जो हमारे सिख भाई हैं, जो सिख किसान भाई थे, उन्होंने घेर कर एक सिक्योरिटी नुमा एक दीवार बना दी थी। आप देखिए और कितना अच्छा ये लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसानों का आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से वो बड़े ही खुशहाल तरीके से अपने आंदोलन पर बैठे हैं और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक ये कानून है वो वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम अपना ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उनकी जिद इसलिए है क्योंकि जब ये अध्यादेश लाया गया उस दौरान देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, और ना ही जब ये अध्यादेश लाया गया तो इस बारे में किसानों से कोई चर्चा नहीं की गई। सरकार को भी कहीं ना कहीं इस गलती का एहसास हुआ है कि जो चर्चा थी उसकी कमी रही, किसानों से जो संवाद था उसकी कमी रही। हाँ, हालांकि अब बीच में संवाद जारी है, लेकिन किसानों ने साफ साफ कहा है जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देश में गरीब मर रहा है, कोई आंकड़ा है? नहीं है। किसान फांसी लगा के आत्महत्या कर रहा है, कोई आंकड़ा है? नहीं है। कितना नौजवान बेरोजगार है, कोई आंकड़ा है? नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये किसान विरोधी सरकार ने हमारी जमीन हड़पने की ये साजिश। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यानी 2014 से चुनाव से पहले आपको याद है कि किसानों से क्या वादे किए गए थे? अब एक एड चलता था, आपको याद होगा, और ये एड देखिए आप, और इसमें एक जो किसान है वो अपने बच्चे को समझा रहा है कि किसानी में कुछ नहीं रखा, लेकिन वो किसान का जो बच्चा वो कहता नहीं, किसानों के अब अच्छे दिन आने वाले। तो क्या सोचा आगे जाकर क्या करना है? किसान का बेटा हूँ, खेती करूंगा। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है, खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा, फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी, और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। और दोस्तों, जो ये आंदोलन है इसकी जो चर्चा है वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे विश्व में, मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं इसकी जो सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। कहीं किसी देश के नेता ने विरोध किया है, कहीं किसी ने आवाज़ उठाई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों के ऊपर जिस तरीके से जब आए थे तो वाटर कैनन, गड्ढे खोद दिए गए, तार लगाए गए, जिस तरीके से उन पर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया था, उससे कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इस तरीके को बड़ा गलत बताया था। पूरी मदारियों की टोली है जो रस्सी को भी सांप बना के बेचता है, राख को भी मंजन। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जब से जन्म लिया इतना बड़ा पनौती कि देश में आया, देश को पूरा बेरा गरक कर दिया है। जो 10.5% जीडीपी था, विश्व की तीसरी महाशक्ति भारत था, आज भारत की स्थिति देख लीजिए, हम बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे हो गए। तो फिर आप गुणगान करे जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले लगभग काफी महीनों से, 2 महीनों से जो ये किसान हैं वो इन कानूनों के खिलाफ पंजाब में भी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तब उनकी न्यूज़ इतनी ज़्यादा हमारे बीच नहीं आई। लेकिन अब जब उनके धरने स्थल पर देखिए आप, तो कितनी उनकी खूबसूरती दिखाई देती है, किस तरीके से सारा उसका जो मेंटेनेंस है, लोग खाना भी खा रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग, जो आसपास के लोग, आसपास रहने वाले लोग भी वहाँ पर खाना खाते हैं। वहाँ पर कई तरीके के, जैसे किसान हैं उनके लिए
फूड मसाज है और कई तरीके की वैरायटी खाना, वो लोग पूरी तैयारी करके आए हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। और इस दौरान दोस्तों कुछ फनी चीज़ें भी आपको देखने को मिली, जैसे कि आप देखेंगे कि किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाई। जी हाँ, आपने सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना एक मुहावरा था, लेकिन उसे जो किसान थे उन्होंने भैंस के ऊपर लिख दिया ये सरकार है और आगे बीन बजा रहे हैं। तो इस तरीके की भी कई क्रिएटिविटीज भी वहां पे दिखाई दे रही हैं। आतंकवादी कौन है? देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। सावरकर के लोग, जो आजादी के बाद तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जो तिरंगे का सम्मान नहीं करता, वो हमारे देश का कभी भी अपना नहीं हो सकता। ये हमेशा गद्दार। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, बेच के खा घर, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। किसानों का जो आंदोलन है उसे के पीछे जो खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश है वो है गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया अब भी लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से इन किसानों को खालिस्तानी घोषित कर दिया जाए, देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे इनका ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाए और जो सरकार है उसे कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है सरकार को बचाने का गोदी मीडिया का। जब ये कानून बने तब सरकार ने किसानों से कोई चर्चा नहीं की थी। और किसानों की ये भी आरोप है कि जो जिस तरीके से राज्यसभा में ये कानून पास कराए गए थे वो भी एक तरीका गलत था। दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक, आगे भी किसानों की इन चर्चाओं को हम आगे बताएंगे। और आप बताइए कि किसानों की ये जो मांग है वो कितनी जायज़ है, आपको क्या लगता है कि अपनी जो मांग कर रहे हैं सरकार को उनकी बात सुननी ही चाहिए, वो जो मांग कर रहे हैं, या फिर संवाद के जरिए जो भी संभव हो सके किसान जिस बात पर मानने को तैयार हो वो चीजें करनी चाहिए। तो एक बात बताइए, हर बात में कांग्रेस कांग्रेस पर घूम के चले आते हैं। कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया तभी ना सत्ता से बाहर हुआ। ये हमने आप परिवर्तन लोग सोचा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हवा माने कार जो है ना हवा में उड़ेगी। लोगों को पता था कि बैल भी छिन जाएगा, बैलगाड़ी में आदमी खुद बैल बन जाएगा। लोग सोचा था कि हवाई चप्पल छिन जाएगा, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। कहाँ से चढ़ेगा? घंटापुर से चढ़ेगा। जब आपने एयरपोर्ट ही भेज दिया, जब आपने एयर इंडिया